एटा में 5 वर्ष पूर्व दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष के मामले को लेकर जनपद न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला सामने आया है, जहां न्यायालय में दोनों पक्षों के 3 दिन आरोपियों को सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि गांव में टवेरा गाड़ी को खड़ा करने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों के एक एक व्यक्ति की मौत हो गई। न्यायाधीश धीरेन्द्र सिंह ने पक्ष के 3 लोगों को हत्या का दोषी मानते हुए IPC की धारा 302 के तहत 56 अनवर और मशबर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 25,000 रुपए का जुर्माने का दंड भी लगाया। वहीं दूसरे पक्ष के 3 लोगों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में शकील, मिरुल और सगीर उल को IPC की धारा 304 के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई गई और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं पूरे मामले पर अपर जिला जज कोर्ट के सरकारी वकील अनूप वर्मा ने मामले में जानकारी दी। इसमें अमापुर थाने के गाँव करसाना के लोग हैं, उनका आपस में विवाद हो गया, जिसको लेके जो है 3 लोगों को आजीवन कारावास और 25,000 रुपए का जुर्माना हुआ है, और 3 लोगों के लिए जो 10-10 साल की सजा और 25,000 रुपए। कौन से कोर्ट से सजा सुनाई गई है? सजा हुई हमारी FTC सेकंड कोर्ट से, श्री धीरेन्द्र कुमार जस साहब के यहाँ से। एटा से RB द्विवेदी की रिपोर्ट।